निशा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरण हम लोग है ना, मनीषा बहन के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके उसकी जो दर्दनाक मौत हुई है, जो जिस दर्द से वो जी है, जिस दर्द को उसने महसूस किया है, और आज उसके दरिंदे हैं, अभी तक सरेआम घूम रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, और ऐसी न्याय चाहिए कि अगला जब नेक्स्ट टाइम किसी के दिमाग में भी पिक्चर बने ना, तो उसको ये याद आ जाए कि नहीं, ये मनीषा के हत्यारों के साथ हुआ था, वो मेरे साथ होगा, उसका ब्रेक लग जाए वही। ऐसा इंसाफ चाहिए, ऐसी न्याय चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। दरिंदों को जितना कठोर से कठोर सजा चाहिए, कि आगे के लिए किसी की मानसिकता ही नहीं बने कि मैं इस लड़की के साथ ऐसा कर सकता हूँ। साले के पिक्चर बन जाए दिमाग में दरिंदों की। मैं तो ये बोलना चाहूंगी भी इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, और ये मतलब इतनी मतलब इनको खुलेआम फांसी दो कि ताकि अभी कभी भविष्य में ऐसे अपराध नहीं कर पाए। काउंटर सबसे बेस्ट है, पर है ना, फिर कानून अपना है ना, वो मतलब नियम के अनुसार चलता है, तो उनको तुरंत फांसी होनी चाहिए। जब से ये मोदी सरकार आई है, और उसमें जो सबसे शोषित पीड़ित जो तबका है, जो विशेष रूप से जो दलित वर्ग है, और उसमें भी जो महिलाएं हैं, उसके ऊपर अत्याचार भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं, और इसके लिए यूपी का जो प्रशासन है, और विशेष रूप से जो मतलब पुलिस प्रशासन है, उसने जिस तरह की लापरवाही की, ये बात भी हमको देखनी होगी कि बीजेपी सरकार के जो विधायक हैं, है कि नहीं, उन्होंने मतलब वो बलात्कार के मामले में और उनको श्रेय मिलता है सरकार का। राजस्थान में जो हुआ था, उस बच्ची का अंतिम संस्कार रात को 2:30 बजे थोड़ी किया था। राजस्थान में कहीं की भी वो घटना, तो जो भी है वो हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन बेटी मनीषा के साथ में जो हुआ वो बहुत ही उसकी कोई सीमा नहीं है कि मतलब उसको मैं क्या बोलूं। एक बेटी के साथ में 14 दिन वो तड़पती है, क्या उसका इलाज एम्स में नहीं हो सकता था? क्या स्पेशल डॉक्टर उसको नहीं बुलाए जा सकते थे? उसको मरने के लिए 14 दिन छोड़ दिया, और उसके घर वालों को वो टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद में गिरफ्तार वो कोई 5 दिन बाद में हो रहा, कोई 10 दिन बाद में हो रहा है, तो सरकार पे तो उंगली उठेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय जो आपने सबसे बड़ा जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसमें मुख्य रूप ये है कि अपनी जो कानून जो व्यवस्था ना, वो काफी लचर है। आज हम जिस देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन इसकी जो कानून व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा लचर है। इसमें अपराधी जो अपना अपराध कर जाते हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि सालों साल तक कोर्टों के अंदर लोग बाग चक्कर काटते काटते ना थक जाते हैं। इससे जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, उनका मनोबल बढ़ जाता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान का जो कानून है, उसमें इतना कठोर कानून बनाया जाए ताकि जो भी बहन बेटी है, दलित हो चाहे वो सर्व समाज की हो, उसके अंदर उसका तुरंत ना, जिस तरीके से खाड़ी देशों के अंदर होता है, सऊदी अरब है और अन्य देशों में होता है, जिस तरीके से इस तरह की घटना होती है, तुरंत उसको कठोर कानून के तहत है वो सजा दी जाती है, जिससे कि वहाँ का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो शून्य के बराबर होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो घटना है, इस पर भी तुरंत सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, और जो निर्भया अभी जो घटना घटित हुई है, एक उपरसा के साथ में जो घटना हुई है, आगे कोई लड़की के साथ में, कोई बहन बेटी के साथ में घटना न हो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यह जो अगर आज एक मन समर्थन नहीं करेगा, अगर आज सपोर्ट नहीं करेगा, तो यह की घटना काल में किसी कोई के साथ भी घटित हो सका है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये लचीला है कानून पूरा। जब निर्भया पे हुआ था अत्याचार, उसमें उसको 7 साल बाद में इंसाफ मिला था, तो उसमें भी प्रशासन में कोई सीख नहीं ली कि इतनी ढील क्यों बरती गई, और बार बार ये दरिंदगी हो रही है, तो उसका क्यों नहीं ब्रेक लग रहा? तो मैं चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब और मुद्दे लेते हैं तो ये मुद्दा जरूरी नहीं है क्या? जब ऐसी दरिंदगी होती है तो इस पर बहस होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और कोई कानून होना चाहिए जिस पर ऐसी दरिंदगी पर रोक लग सके। अगर यहाँ की घटना रोकनी है तो बिल्कुल अपन संगठित होके और यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।